नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं रोज रोज के इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं रोज ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता और ना ही उनकी महंगी दवाओं का खर्च उठा सकता हूँ, राजेश ने निधि पर चिल्लाते हुए कहा और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। निधि की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मेरी माँ राजेश की माँ की कुछ भी नहीं लगती? क्या राजेश की अपनी माँ बीमार होती तो क्या वह भी इलाज नहीं कराता? क्या तब भी वह डॉक्टरों की फीस और दवाओं पर होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ता? जब मैं अपनी सांस को अपनी माँ का दर्जा दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो राजेश क्यों नहीं ऐसा कर पाता? मेरी माँ का मेरे सिवाय और कौन है? क्या शादी के 10 साल बाद भी यह मेरा घर नहीं है जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को रख सकूँ? निधि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से और धूमधाम से राजेश के साथ उसका विवाह किया था। निधि के पिता की छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी। शादी के बाद निधि अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननद ने उसकी भाई और बहन की कमी को पूरा कर दिया था। पलाश के जन्म के बाद तो उसकी खुशियां दोगुनी हो गई थी। पर सदा समय एक जैसा नहीं रहता। लगभग 6 महीने पहले अचानक ही निधि के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात निधि की माँ बहुत अकेली पड़ गई थी। उनके पिता की दुकान भी निधि के चचेरे भाइयों ने मिलकर हड़प ली थी। पूरी तरह बेसहारा हो चुकी माँ को निधि अपने साथ ले आई थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हालांकि माँ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, पर निधि अपनी उस माँ को कैसे छोड़ देती जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही निधि की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थीं। तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी? तुमने अपनी माँ को दूध क्यों दिया? मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी है। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी? उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं डाल देती? कब तक वे मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेंगी? इत्यादि इत्यादि। निधि खून का कड़वा घूंट पी कर रह जाती, पर उसे कोई उपाय न सूझता। राजेश भी उसकी कोई बात न सुनता और अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाता। अब राजेश भी उससे खींचा खींचा ही रहता। आज भी राजेश ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। निधि को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे वह? क्या सच में अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में डाल दे? पर वह जब अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन स्वयं को धिक्कारने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ का कसूर सिर्फ ये है कि वे एक विधवा है और एक बेटी की माँ है? बहुत देर तक सोचने के बाद निधि एक निर्णय पर पहुँच गई। शाम को जब राजेश वापस आया तो निधि को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। निधि ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े सधे शब्दों में राजेश से कहा,
आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया राजेश कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली चित्रा के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदात्री माँ को किसी वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ सकती। राजेश ने तो इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। वह निधि को कमजोर समझता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह आश्रित निधि उसे छोड़कर जाने का सपने में भी नहीं सोच सकती। पर यह क्या कह रही हो निधि? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना पलाश को कौन संभालेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? राजेश ने सक पकाते हुए कहा। सोच लो राजेश, यदि तुम्हें पलाश की माँ चाहिए तो उसकी माँ की माँ को भी पूरा सम्मान देना होगा। जहाँ मेरी और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ तक पलाश की बात है, मेरी ममता मेरे आत्मसम्मान के सामने तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निधि ने दृढ़ शब्दों में राजेश को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ चली। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा नहीं पा रही थी। आज मैंने तुम्हारी जगह अपने को रखकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। आगे से मैं और तुम्हारी माँ अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटी, क्योंकि बिना गृहलक्ष्मी के कोई भी घर सदा बिखर जाता है। निधि की सास ने बड़े प्यार से निधि को समझाते हुए कहा। आज राजेश और उसके परिवार को गृहलक्ष्मी का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।